नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं तन्हा और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं एक्सबॉक्स का लेटेस्ट कंट्रोलर, जो कि है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस का लेटेस्ट कंट्रोलर। सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने मिले। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले बॉक्स को यहाँ पे हम देखते हैं तो बॉक्स काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है। बॉक्स पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे कार्बन ब्लैक कलर क्लियरली मेंशन किया गया है। साइड्स में देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एस। बेसिकली ये कंट्रोलर एक्सबॉक्स के साथ वर्क करता है, एक्सबॉक्स वन के साथ भी ये वर्क करता है, विंडोज़ 10 के साथ ये वर्क करता है। तो येस, आप पीसी पे इसके साथ गेमिंग कर सकते हो और मैं अभी आपको कुछ ही टाइम में गेम्स खेल के भी दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ ही एंड्रॉयड पे भी वर्क करता है, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप फ़ोन पे भी इसको यूज़ कर सकते हो वायरलेसली। एंड उसी के साथ यहाँ पे iOS भी लिखा हुआ है, iOS का सपोर्ट जल्द ही आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस कंट्रोलर जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है। एक ही कंट्रोलर, यू कैन यूज़ इट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं तो ये रहा हमारा एक्सबॉक्स का कंट्रोलर। कंट्रोलर को थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए साइड में रख देता हूँ और इसके अंदर देखते हैं और क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी एंड वारंटी गाइड और अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। एंड दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, अंदर हमको मिलता है एक्सबॉक्स का गेम पास अल्टीमेट। और यहाँ पे हमको कोड भी दिया हुआ है, आप लोगों को कोड नहीं दिखाऊंगा नहीं तो आप लोग ले लोगे मेरा गेम पास। सो ये बोल रहा है कि गेम पास को हम लोग विंडोज पे यूज कर सकते हैं एंड ये कोड को रिडीम कर सकते हैं फॉर 14 डेज फ्री गेम पास ऑन एक्सबॉक्स एक्स एस, एक्सबॉक्स वन एंड विंडोज 10। तो 15 दिन तो बहुत मजा आने वाला है, उसके बाद आपको पे करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू करना होगा इस सब्सक्रिप्शन को। सो दिस इज द एक्चुअल कंट्रोलर विच वी गेट इन द बॉक्स एंड आप देख सकते हो इसका न्यू लुक है। यहाँ पे सेंटर में हमको 3 बटन मिलते हैं, जो पहले का मॉडल आता था उसमें 2 बटन आते थे। तो बेसिकली यहाँ पे एक शेयरिंग का बटन ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इमीडिएटली आप ये बटन प्रेस करके शेयर कर सकते हो विथ योर फ्रेंड्स। और बाकी जो ओवरऑल स्टाइलिंग है दैट इज सेम, जो साइज़ है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। तो अगर मैं अभी इसकी ग्रिप देखूँ, फिटिंग देखूँ तो ये हाथ में इजीली बैठ रहा है। मेरा हाथ तो काफ़ी बड़ा है बट जिनका हाथ छोटा होगा उनके हैंड में भी काफ़ी अच्छा से बैठेगा। तो अब जो इसका ओवरऑल फील है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम है। ऑब्वियसली यू आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस। जो इसके बटन्स है वो भी काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। और पीछे हमको मिल जाता है यहाँ पे कनेक्टिविटी का बटन जिसको प्रेस करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए सो द कंट्रोलर गोज इन टू द पेयरिंग मोड। पीछे यहाँ पे आप हमको मिल जाता है एक टाइप सी केबल जो कि आप कनेक्ट करके वायर्ड वे में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सेपरेट इसकी बैटरी पैक परचेज करते हो रिचार्जेबल वाली तो उसको भी आप ये टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हो। पीछे का यहाँ पे स्लॉट ओपन करो तो 2 हमको यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ती है। आई नो बहुत लोग अपसेट होंगे कि अभी भी इसमें एक्सटर्नल बैटरी लगाने वाला सिस्टम है और इंटरनल बैटरी नहीं आती जिसको हम रिचार्ज कर सके। बट बैटरी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी, 2 ड्यूरासेल की बैटरी। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर सिस्टम है, बैटरी खत्म हो गई फटाक से उसको जस्ट रिप्लेस कर दो एंड यू कैन कंटिन्यू प्लेइंग। रिचार्जेबल बैटरी वाला सिस्टम होता है, बीच में बैटरी चली खत्म हो जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। बैक साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सबॉक्स कंट्रोलर का वायर्ड कनेक्टर और उसी के बाजू में दिया गया 3.5mm जैक। तो आप अपना वायर्ड हेडफोन्स को यहाँ से कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस। अब इसको अगर टर्न ऑन करें तो यहाँ पे इसको बटन को आपको प्रेस करना है एंड आप देख रहे हो जो एक्सबॉक्स का लोगो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। ये चीज़ बहुत पसंद आती है एक्सबॉक्स के कंट्रोलर में, जो इसकी लाइट है बहुत अच्छी लगती है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये स्टेबल मोड में आ जाएगा। सो लेट्स गो फॉर पेयरिंग। सो लेट्स कनेक्ट दिस कंट्रोलर टू द पीसी और यहाँ पे मैंने सेंटर बटन को प्रेस कर दिया है। जैसे ही कंट्रोलर पेयरिंग मोड में आ जाएगा, पीछे का बटन को 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप से लाइट ब्लिंक होने लगेगी और ये ब्लूटूथ मोड में चला जाएगा। इसके बाद आपको ब्लूटूथ ऑन करना है एंड यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर पेयर हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पे अब स्टेबल लाइट ऑन हो गई है। सो लेट्स प्ले सम गेम्स ऑन दिस कंट्रोलर। So it's working. इसी के साथ आप कोई भी स्पोर्ट्स गेम,
शूटिंग गेम्स, स्ट्रैटेजी गेम्स, कोई भी गेम्स आप प्ले कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मैं Asphalt 8 खेल रहा हूँ जो कि एक थर्ड पार्टी गेम है, तो उसमें कंट्रोलर के तो सारे फंक्शंस वर्क करते हैं प्रॉपरली, बट इसके जो वाइब्रेशन मोटर्स है वो वर्क नहीं करता है। अगर आप एक्सबॉक्स के अंदर जाके एक्सबॉक्स के थ्रू आप अगर प्ले करोगे तब आपके वाइब्रेटर मोटर्स भी काम करेंगे। जैसे अगर मैं एक्सबॉक्स के अंदर जाके फोर्जा प्ले करता हूँ या कोई और भी गेम प्ले करता हूँ तो वहाँ पे इसके मोटर्स परफेक्टली काम करते हैं। पीसी के बाद अब मैं आप लोगों को एक कंट्रोलर मोबाइल पे भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ एंड मोबाइल पे भी हम कुछ गेम्स खेल के देखते हैं। सो मैंने अभी कनेक्ट किया है कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ एंड कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप देख रहे हो परफेक्टली मैं इससे ऑपरेट कर पा रहा हूँ मेरा गेम एंड यहाँ पे परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। सो आप मोबाइल पे भी इससे इजीली गेम्स खेल सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड कंट्रोलर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड जो इसकी प्राइस है वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड है बिकॉज ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हो सकता है। आप पीसी पे इसको यूज़ कर सकते हो, एक्सबॉक्स पे यूज़ कर सकते हो, इवन एक्सबॉक्स वन पे यूज़ कर सकते हो एंड एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हो। सो जो इसकी प्राइस है इंडिया में वो है ₹5,400 का और इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। ब्लू की कॉस्ट ₹500 एक्स्ट्रा है तो अराउंड वो ₹5,800-5,900 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भी कंट्रोलर परचेज करना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक को आप क्लिक करके आप भी ये कंट्रोलर परचेज कर सकते हो। मैंने परचेज किया ये ब्लैक कलर बिकॉज ब्लैक इजीली गंदा नहीं होता है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो वाइट का चल रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी वाइट मॉडल। और जो नया कंट्रोलर है ये सीरीज SX का, इसमें यहाँ मैंने जैसे आपको पता है यहाँ पे तीन बटन है तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो पुराना मॉडल आता था उसमें दो सेंटर में बटन्स आते थे। सो आई एम श्योर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर गेमर फ्रेंड्स। और ऐसे अमेजिंग PC और गेमिंग के वीडियोस जल्दी चैनल पे आएंगे। सी यू सून गाइस।